नमस्कार मध्यान खबर सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस। प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन क्षेत्र में बड़ संस्कार, किसी समय पर देशर सतटी प्रतिरक्षा संस्थार उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे हेबो उद्घाटन। बरगढ़ विजयपुर में भुशुड़ा ड्याम, निम्नमान कार्य जो कंठेश्वरपुर ड्याम भुशुड़ी पड़ा अभियोग, ड्याम भांगा फल एकर एकर चाष जमी जलमग्न, चाषी मान क्षतिपूरण दिजा नहीं पद्मपुर एमआई डिविजन पक्षर सूचना। ब्रह्मपुर गोईलुंडी दंपति निखोज, गोपालपुर बेलाभूमि मिला महिला मृतदेह, अन्य जनकर मिलूनी सन्धान, 12 तारिखर थे निखोज, पुलिस पक्षर तदंत जारी। आज दशहरा चली महिषा मर्दिनी पूजार्चना, दशभुजा अपराजिता पूजा, वेदपाठ मंत्रध्वनि प्रकंपित पीठ, सेपटे श्रीमंदिर श्रीजीवू सुना बेश, दुर्लभ बेश दर्शन वंचित हेले भक्त। पूजा पर खोल स्कूल, 21 एकादश और 25 अष्टम श्रेणी पिला आरंभ हो ऑफलाइन क्लास, विभाग मंत्री सूचना, स्कूल खोलने आनुषंगिक प्रस्तुति करने को दिजा निर्देश, परवर्ती समय रे प्रथम सप्तम श्रेणी खोल को निष्पत्ति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर प्रतिष्ठा दिवस पालित, आरएसएस प्रतिष्ठाता समाधिपीठ से श्रद्धांजलि ज्ञापन कले मोहन भागवत, नागपुर रेशम बाग में शस्त्र पूजा और विजयादशमी पालित। हाथी आक्रमण में कका पुतरा मृत, रेढ़ाखोल एनएसी अंतर्गत डिमिरीकुदा गांव में अभावन घटना, गांव में उत्तेजना, हाथी घोड़ाइवा क्षतिपूरण पर जोर धरला दाबी। मिसाइल मैन को झुरुची देश, आज पूर्वतन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को जन्मवार्षिकी, जम्मू काश्मीर उधमपुर श्रद्धांजलि ज्ञापन कले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज विजयादशमी अवसर में सातटी प्रतिरक्षा संस्थार उन्मोचन करेंगे व उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। किसी समय पर भिसी जरिया पीएम मोदी यह सब प्रतिरक्षा संस्थागुड़ उद्घाटन करिबार कार्यक्रम रही है। यह देशर प्रतिरक्षा क्षेत्र में बड़ संस्कार हेबो, जहां प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन क्षेत्र में सहायक हेबो। पूर्वर 41 ऑर्डिनेंस कारखाना को नियंत्रित करुवा ओएफबी को 7 सरकारी मालिकाना संस्था विभक्त करा जाइछ। यहा गुली विस्फोटक जानवाहन अस्त्रशस्त्र जंत्रपाति आदि आनुषंगिक उत्पाद उत्पादन कर। बरगढ़ विजयपुर में भुशुड़ा ड्याम, निम्नमान कार्य जो कंठेश्वरपुर ड्याम भुशुड़ी पड़ी, ड्याम भांगा फल एकर एकर चाष जमी जलमग्न होता देखा मिले, अनेपटे चाषी मान क्षतिपूरण दिजा बोली पद्मपुर एमआई डिविजन पक्षर सूचना दिजाई। तो बरगढ़ विजयपुर आसुच्छे खबर, बरगढ़ विजयपुर में भुशुड़ी ड्याम, कंठेश्वरपुर ड्याम भुशुड़ी जमापड़ी, जहाँफल एकर एकर चाष जमी जलमग्न हो सूचना आसुच्छ। शारदीय दुर्गा पूजा पई उत्सव मुखर पूरपल्ली, आज विजयादशमी में पारंपरिक रीतनीति चली पूजार्चना, माँ सबुठी हो स्वतंत्र व्यवस्था। आज हूँ विजयादशमी, असत्य उपरे सत्य और पाप उपरे पुण्यर विजयर प्रतीक। आज महिषासुर को बद्ध करिबे माँ दुर्गा, माँ जगजननी आगमन में गांठू सहर सबुठी उत्सवर माहौल, पारंपरिक रीतनीति अनुजाई चली माँ का पूजार्चना। तो कटक एवं संबलपुर के पूजार माहौल एवं
विजया दशमी रे पूजा केते बाट आगेलानी एने सूचना देबाकू कटक रे अछन्ते प्रतिनिधि सतरूपा सामंतराय एवं शुभश्री अछन्ते संबलपुर। प्रथमे कटक नै चलुछु सतरूपा को पाखकू। कटक सतरूपा अछन्ते कटक रे सतरूपा जानबाकू चाहे बुझे कटक रो केउ पूजा मंडप रे आपण अछन्ते एवं सेठारे पूजा केते बाट आगेलानी। निहाती भाव में अपूर्व जो आज हूँ महामायर दशमी पूजा आम आस आज पहुँची जाइ कटक काजी बजार रे आप देखिपे सीधा सड़क चित्र काजी बजार रो चित्र देखिपे वर्तमान माँ अपराजिता जो रही अपराजिता पूजा चली कि समय व्यवधान पर पूजा पर माँ सिंदूर खेल जो रही हम एवं एटी अनेक महिला भक्त जो मैंने रही पाखर से मैंने आँ दर्शन करूँ ठीक माँ दर्शन कर अपराजिता पूजा परे परे ही माँ को सिंदूर खेल हे संस्कृति और परंपरा सहित जहाँ जड़ित रही कह कथा अच्छी जो सिंदूर खेल होता है माँ को दशमी दिन जो सिंदूर खेल होता है निजर स्वामी मान दीर्घ दीर्घायु कामना करें महिला मैंने निज निज भितर सिंदूर आदान प्रदान करें देखिपे सीधा सड़क चित्र महिला मैंने आठ निज जो महिला भक्त मैंने रही आसी सिंदूर नहीं कि आसी माँ को पूजा करने सिंदूर को से पूजा करेंगे एवं आउ किसी समय व्यवधान भितर से मैंने जो सिंदूर रही सिंदूर को आदान प्रदान करेंगे ये हूँ एठिकार परंपरा रही सब बड़ कथा हूँ जितेबले आज हूँ दशमी पूजा और शेष पूजा माँ को विदाय दि सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी ये चार दिन माँ को पाखे पखाड़ भोग लगी था माँ को माँ जो वर्तमान जहाँ देखुं आप ये हूँ माँ को अपराजिता पूजा परे परे ही सिंदूर खेल हे चलित बर्ष कोविड कटकणा रही कोविड कटकणा भितर पूजा किंतु से गोटे कथा कोविड कटकणा भितर चलित बर्ष बाद्य बाजा ये सब जिनस को बंद कर दि जाइए किंतु जो बंद कर दि जाइए या भितर भी केवल सिंदूर खेल हम छोट आकार आम सीधा सड़क जो रही पूजक रही प्रतिक्रिया ने कि भाव में चलित बर्ष जो माँ को पूजा होमती पूजा होने पूजा हो सीधा सड़क प्रतिक्रिया आम कि भक्त अच्छा आम सहित महिला भक्त रही आम प्रथम तर प्रतिक्रिया ने कमी कौन पूजा हो माँ को वर्तमान अपराजिता पूजा होपर सिंदूर खेल हे परंपरा कौन रही नीति कौन रही परंपरा अनुसारे पूजा मंडप रे चार दिन पूजा हला परे आज शेष दिन होची माँ को दशमी पूजा एवं विसर्जन यही अवसर रे माँ जो धरापृष्ठ को अवतरण करिथांती पुणी से गमन करिवे समस्त मनरे बहुत दुख तथापि झीटी को विदाय देला बली समस्ते माँ को विदाय पाई प्रस्तुत मन दुख रखी माँ को जमी भाव में अपूर्व देखिपे माँ विदाय ने समस्त मनरे से गोटे कथा अच्छी माँ विदाय ने कि मनरे दुख रही चलित बर्ष गोटे पारंपरिक रीति अनुसार काजी बजार पूजा मंडप पूजा चली बंगीय परंपरा अनुसार एवं लोकों भितर उत्साह अच्छी किसी श्रद्धालु एकाठी होती किपटे दुख अच्छे कारण आज माँ मेलाणी ने पुणी अपेक्षा रर वर्ष को संबलपुर नहीं चलु अच्छा प्रतिनिधि शुभश्री अच्छा शुभश्री प्रथमे तो आपको विजया दशमी शुभेच्छा जानवाक चाहिए संबलपुर पूजार माहौल तो कौटना कौटी फिका पड़ी सारा राज्य में जेहतु कोरोना कटका जो कि आप संबलपुर क्यों पूजा मंडप अच्छा सेठे पूजा अर्चना केत बाट आगे
अपूर्व प्रथमे आपणंकु मध्ये विजया दशमीर हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन। आमे एबे संबलपुर बड़बजार बंगाळीपड़ा पूजा मंडप रे अछु। एठारे बंगिया रीतिनीति अनुसारे माँकर पूजा अर्चना होता है। आज जदि कहिबा आज होउछि माँ महामायंकर विजया दशमी। आज बंगाळीपड़ा बंगिया रीतिनीति माँकर पूजा अर्चना होता है। आज जदि देखिबा रीतिनीति अनुसारे सिंदूर खेलर आयोजन रही है, जोथिरे कि सधवा नारी माने निजर स्वामींक पई दीर्घायु कामना करी सिंदूर खेल खेली थांती एवं माँ को बरण कर जो सिंदूर आप देखिपे ये हूँ सीधा सड़क चित्र। माँ को सिंदूर लगे परस्पर को सिंदूर लगे निज स्वामी एवं पिला छुआर दीर्घायु कामना कर माँ को ये जो आज दशमी दिन ये दिन को वर्ष तमाम अपेक्षा कर ये होची तांको पाई बहुत बड़ खुशी पर्व। जेहेतु आम ओडिया संप्रदाय जमी स्वामी सावित्री व्रत थाए कि बंगीय परंपरा आम आगर प्रतिक्रिया नहीं बुझुलू जर खाली यही विजया दशमी ही स्वामी माँ जो रही सिंदूर खेल से पालन कराए प्रतिक्रिया ना जे कहीं ये पर्व पालन कराए। आज हूँ सिंदूर खेल कौन पालन कर दशमी दिन माँ को आम आसिक सिंदूर खेल खेलु लगुचु कारण यहाँ कि माँ को आम विदाय दौचु हस खुशी आमर सुख शांति पर स्वामी मंगल कामनापी आम यहाँ करुचु आर एटा बहुत रीति रोट चली आसी माँ आसती माँ घर को माँ को आम सिंदूर दान करके आम खुशी खुशी माँ को विदाय दौचु। जदि देखा आज हूँ सिंदूर खेल आपण मैंने यही दिन को ही वर्ष तमाम टाक केमती लगुच बहुत भल लगे मोर तो यहाँ फेवरेट फेस्टिवल दुर्गा पूजा क्या वर्ष ये माँ आज चली गला मन तो खराब लगुच आसंता वर्ष पर आम अपेक्षा रखू जो माँ केत आसबे आम मैंने ये आयोजन पालन करूँ। निश्चित भाव में अपूर्व जमी आप शुणुते यही दिन पर बहुत उत्साह सहित समस्ते अपेक्षा करस तमाम यही दिन को ही समस्ते जगिकी था के माँ को दशमी आसब एवं सिंदूर खेल हेब एवं समस्ते यही दिन भरपूर मजा नहीं था। अपूर्व शुभश्री क्यों के चलित बर्ष कोविड गाइडलाइन भितर दशहरा पालन कर पूजा पालन कर श्रद्धा आप किसी अच्छा पचारत प्रकृत में फिका टिके लगे कि दुर्गा पूजा जदि गाइडलाइन न था ताले दुर्गा पूजा धूमधाम रे पालन होता है और समस्त आशा करूँ जे आगामी वर्ष धूमधाम रे पालन करेंगे। निश्चित भाव में देखु चलित बर्ष कम भक्त श्रद्धा सब मंडप मानक आसवापी देखा मिलू हेले भी खाँ खाँ रही परिवेश देखुवे बहुत कम भक्त श्रद्धा अच्छा हेले भी आम प्रतिक्रिया नापी चेष्टा करवा। मैडम ये वर्ष आपण पालन कर दशहरा दुई वर्ष कोविड तो बंद थी हेले आपन को लगुच ठीक अच्छे ना आहरी धूमधाम हबार नाई कोरोना कटका जहाँ भी हूँ ता ठीक अच्छे कारण समस्ते डिस्टेंस मेंटेन करछंती एवं मास्क ये करछंती आउ गवर्नमेंट तरफ रू कह पर्दा को बंद करापाई से माने सेटा भी फॉलो करुछंती कारण से जो आम नक देश में कोरोना पुणी बढ़ीज से मानवाक पड़ब आउ माँ दुर्गा पूजा भी आम समस्ते बहुत आनंद सहकार पालन करुँपाई आम बहुत खुशी भी रीति रीति रही आपण माने केते खुशी हो आमे बहुत एक्साइटेड यही दिन आज एत सुंदर भाव में आयोजन करछंती अष्टमी नवमी है दशमी है बहुत खुशी रे आज समस्त बहुत आनंदित संबलपुर बड़बजार बंगाली पड़ारू सीधा चित्र देखा प्रतिनिधि शुभश्री जदिओ धूमधाम पालन करना फिका पड़ी किंतु परंपरा रीतनीति अनुसार किंतु दुर्गा पूजा पालन करूर सिंदूर खेल परंपरा अनुषित होती बंगाळीपड़ा सेपटे कटक काजी बजार आम प्रतिनिधि सतरूपा सामंताई से समान चित्र देखते जे पूजा पूजा मंडप गुड़िक श्रद्धा अभाव अनुभूत होपटे परंपरा अनुजाई आज माँ विजया दशमी पूजा अर्चना चालू रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभश्री और सतरूपा अधिक सूचनापी और चित्र देखुवर विभिन्न पूजा मंडप गुड़िकर। तो विजया दशमी में सातटी प्रतिरक्षा संस्थार उद्घाटन करेंगे आ किसी समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेज वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एने देशवासी को संबोधित इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस इनिशिएटिव जिसे आईडेक्स इनिशिएटिव बोलते हैं मेक प्रोसीजर का सिंप्लीफिकेशन हो या एमएसएमई के लिए डेडिकेटेड बजट हो या फिर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट हो यह सभी डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक बहुत बड़े कदम है। साथियों आत्मनिर्भर भारत
कि हमारे संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस एक्टिव बोर्ड रक्षा मंत्रालय के एक सबॉर्डिनेट ऑफिस को प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ 7 मई 7 नई 100% गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेट एंटिटीज में परिवर्तित करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और ऑर्डिनेंस एक्टिव का 200 साल से अधिक का एक गौरवशाली इतिहास है। मैं मानता हूं कि इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इस देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड मैन पावर देश के लिए एक महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक एसेट है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में सशस्त्र बलों द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड उत्पादों की हाई कॉस्ट और इनकंसिस्टेंट क्वालिटी और सप्लाई में देरी से संबंधित चिंताओं को भी उठाया गया है। एक सरकारी विभाग के रूप में ओएफबी को प्रॉफिट दिखाने की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी और इसीलिए मुनाफा कमाने के लिए कोई इंसेंटिव भी नहीं रह गया था। साथियों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कार्यप्रणाली का अध्ययन पिछले 2 दशकों में विभिन्न हाई लेवल कमेटीज द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य कामकाज में सुधार लाने और इन फैक्ट्रीज को आर्म्ड फोर्सेस की डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर देश की डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए पब्लिक सेक्टर के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के समन्वय के रूप में देखा जाता है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि फंक्शनल ऑटोनॉमी, इफिशियंसी बढ़ाने, नई विकास क्षमता और इनोवेशन को सामने लाने और हमारी रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता में सुधार के उपाय के रूप में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक सरकारी विभाग से पब्लिक सेक्टर कंपनी में परिवर्तित किया जाए। इसीलिए सरकार द्वारा जुलाई 2020 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक या एक से अधिक 100% गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेट एंटिटीज में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। पूरी प्रक्रिया की देखरेख और मार्गदर्शन करने के लिए मेरी अध्यक्षता में, जैसा आपको बताया भी है, हमारे रक्षा राज्य मंत्री ने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया। हमने विभिन्न बैठकें की हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोराइजेशन के सभी पहलुओं पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में जो विचार भी किया है। स्टेक होल्डर से प्राप्त जो तरह तरह के सुझाव रहे हैं और उनकी राय रही है, उन पर भी इस पर विचार किया गया और साथ ही इस उद्देश्य के लिए काम पर रखी गई कंसल्टेंसी एजेंसी द्वारा दी गई एक्सपर्ट एडवाइस पर भी विचार किया गया। और इस मामले पर विभिन्न निर्णय लेते समय एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मुख्य रूप से 2 फैक्टर्स द्वारा निर्देशित था। सबसे पहले पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज द्वारा ऑर्डिनेंस सप्लाईज में ऑटोनॉमी, एफिशियंसी और अकाउंटेबिलिटी में सुधार होना चाहिए। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर प्रतिष्ठा दिवस 27 सेप्टेम्बर 1925 मसीहा विजय दशमी ब्रिटिश भारत नागपुर सहर डाक्टर केशव बालीराम हेडगवार द्वारा आरएसएस प्रतिष्ठा कर हिंदू जातीयतावादी भाववादी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित लेखा द्वारा हेडगवार अधिक प्रभावित होते एक हिंदू राष्ट्र सृष्टि आवश्यकता विषय अनेक वाक्य ग्रहण करते हेडगवार आरएसएस को एक श्रृंखलित क्याडर भाव गठन करते हेडगवार मृत्यु पर दलर नेतृत्व को माधव सदाशिव गोलवालकर एवं पर मधुकर दत्तात्रेय देवरास ग्रहण करते हिंदू युवक मानी शक्ति वीरत्व साहस फेर आ समस्त जाति श्रेणी हिंदू मानी एकता बढ़ावापी उभय मानसिक एवं शारीरिक उत्सर्गीकृत एवं अनुशासन उपर एक प्रमुख गुरुत्व दि जाए संघ को किए कहे हिंदू मौलवादी तो किए कहे मुस्लिम विरोधी केतेबेले पुणी गांधीजी हत्या अभियोग लगाई दि जाए प्रतबंधक किंतु सबु बाधा विघ्न को अतिक्रम कर भारत को परम वैभवशाली करिवार संकल्प नहीं आगु को बढ़ी चले संगठन विश्वर सबुठू बड़ राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन पलटि आरएसएस भारत को विश्वगुरु बनाइबार निज लक्ष्य पथरे आगे चली भारत के साथ संपूर्ण मानवता की परस्पर आत्मीयता सदा के लिए अभिन्न रूप से जुड़ी है। उस भारत को, उस परंपरा को, संस्कृति को, समाज को
सर्वांग सुंदर रूप से सबल होकर खड़ा होना पड़ेगा। हम सबको हिंदू के नाते व्यक्तिगत स्तर पर बल, साहस, तितिक्षा, धैर्य, ओज, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तीनों प्रकार का इसकी साधना करनी होगी। समाज के नाते सारी बातों का उपाय करने के लिए सामूहिक कार्य करने का अभ्यास करना होगा। सामूहिकता से चलने की स्वभाव में आदत डालनी पड़ेगी। यह बल किसी की विरोध और प्रतिक्रिया में नहीं है। हमारी फूट के चलते हमको तोड़कर अपने स्वार्थ के उल्लू सीधा करने के लिए सब लोग ताक पर है, इसको समझते हुए, और यह हमारा स्वभाव होना चाहिए हिंदू के नाते, संगठित रहना, बल संपन्न रहना, संपूर्ण मानवता के लिए अपने बल का उपयोग करना। ये कर्तव्य निर्वाह करने के लिए ऐसे हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जागरूक, संगठित, बल संपन्न और सक्रिय हिंदू समाज ही सब समस्याओं का समाधान है। यही काम तो हम करते हैं। भारत के ओर से, भारत की जो प्रगति है उससे विकास की अपेक्षा भारतीयों की जैसी भारत से है, वैसे संपूर्ण विश्व की अपेक्षा है एक नई राह दिखाने की। उसके लिए भारत को तैयार करना, अपनी विविधता को अपनी एकता का श्रृंगार बनाकर बल के साथ सब प्रकार के जीवन का उत्तम उदाहरण बनकर दुनिया में खड़ा, संपूर्ण देश को प्रेम से पुकारता ललकारता हुआ अपनी छत्र छाया में अधिक अच्छे मनुष्य बनकर सृष्टि के साथ कल्याण की राह पर अग्रसर करने वाला विश्व गुरु भारत हमको खड़ा करना है। संघ के स्वयंसेवकों की अपेक्षा इसके लिए है, और आप सब समाज के लोगों का योगदान भी उसमें संघ चाहता है। इस यज्ञ में आपकी भी सबकी संविदा पड़े, सारा समाज इसके लिए अग्रसर हो तो भारत का भाग्य बदल जाएगा। वो भाग्य बदलना है, वो भारत की आवश्यकता है, वो समय की, विश्व की आवश्यकता है। और इसलिए भ्रांति जनमन की हटाते, क्रांति का संगीत गाते, एक के दशलक्ष होकर कोटियों को है बुलाते, इस पद्धति से हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि तुष्ट माँ होगी तभी तो विश्व में सम्मान पाकर बढ़ रहे हैं चरण गणित। बस इसी धुन में निरंतर भारत माता की जय। पवित्र विजयादशमी अवसर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर प्रतिष्ठा दिवस बा विजयादशमी उत्सव बालेश्वर अनुष्ठित होई। यह अवसर में आरएसएस बहु कार्यकर्ता एकाठी होई आरएसएस राष्ट्र गठन भूमिका संपर्क में सूचना देते। केवल एति नुहे, विभिन्न प्राकृतिक विपर्य समय सीमार युद्ध समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर कर्मकर्ता माने निज जीवन को बाजी लगाई सहयोग हाथ बढ़ाई था। सेपरी जाजपुर बरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तरफ विजयादशमी उत्सव पालित हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर प्रतिष्ठा दिवस पंचायत कल्याण मंडप में पालन कर कार्यक्रम में बरी ब्लॉक समेत बरी आखपाख पंचायत बहु स्वयंसेवक सहित विविध क्षेत्र कर्मकर्ता बजरंग कर्मी माने जोग देते। 1925 मसीह डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवेयर नेतृत्व में भारत बर्षर तथा पृथ्वी हिंदू मान भितर स्वाभिमान जाग्रत करवा राष्ट्र चेतनार समस्त उद्बुद्ध करवा आकुमारी हिमाचल समस्त हिंदू भावन उद्बुद्ध करने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गठन करते विजया दशमी ही यह प्राण प्रतिष्ठा पाई तेणु ताक मन रखापाई आहरी हिंदू मान भितर सचेतनता जागृति करने ये विजयादशमी को आम खंड स्तर में पालन कर कार्यक्रम मुख्य भूमिका अच्छी जोटा कि आम बरी रे कमी हिंदू जागरण करतीपाई आज उत्सव सब पंचायत रू आम कार्यकर्ता समस्ते आसी सब स्वयंसेवक भाई मैंने आविध क्षेत्र समस्ते उपस्थित अच्छा आहेतु टी आज जो कार्यक्रम अच्छी सब गाँ को आमर जो बार्ता रही सरसंघ जल जो बार्ता रही आमर गाँ को प्रत्येक गाँव को प्रत्येक पंचायत प्रवेश सब संघ से व्यवस्थित भितर आम आज ये कार्यक्रम रही सब कार्यकर्ता सहित बहुत उत्साह सहित आज आम समस्त पालन करछु विजयादशमी उत्सव। आम विजयादशमी उत्सव में समस्त एकत्रित होई एठारे त्रिशूल पूजा कलु
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଠି ଆମର ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା। ଆଶା ପ୍ରଦୀପକୁ ଦମ୍ପତି ନିଖୋଜ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରୁ ମିଳିଲା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଇଲୁଣ୍ଡି ବଡ଼ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଦମୟନ୍ତୀ ଆଚାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 12 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେହିଦିନ ହିଁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତଦେହ ବେଳାଭୂମିରୁ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ପରେ 14 ତାରିଖରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିଠାରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ତେବେ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ପାଇନି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏକ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଓ ଭେନ୍ୟୁ କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଧକ୍କା। ଡିଜାୟାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଭେନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆରୋହୀ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଉପଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ସିରଭଟ୍ଟାପଡ଼ାର ଆର୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ ରାଓ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନେବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଉ ପୁଣିଥରେ ଆଗରୁ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟାଇମ୍ କରେ ନର୍ସମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଇନି। ଏବେ କ'ଣ ଆଜି ପେନ୍ କାଟିଦେବେ, ଟାଇମ୍ ପେନ୍ ହେଲେ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଣିବରେ ନେଇକରି ଜଏନ୍ କଲୁ, ତ ବିପି ଟିକେ ବଢ଼ିଲା, ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଛୁଟିରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରାଯିବା? ସେଇଟା ବେଶ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ପେସେଣ୍ଟଟା ସକାଳେ 6 ବେଳେ। ଯେକୌଣସି ଲେବଲ୍ରେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ପେସେଣ୍ଟ ଠିକ୍ସେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉନଥିବ କି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉନଥିବ, ରେଗୁଲାର ମେଡିକାଲ ଚେକ୍ଅପ୍ ଆଣିକି ଆସିକି ହେଉନଥିବ। ସୁରଟରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ପଟେଲ ସେବା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଫେଜ୍ 1 ଭୂମିପୂଜନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏମ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ହଷ୍ଟେଲ କୋଠାରେ ପ୍ରାୟ 1500 ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସିକ ସୁବିଧା ରହିବ। ସେହିପରି ଏଥିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଖାପାଖି 500 ବାଳିକା ରହିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧ ମୃତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଡ଼ଗ୍ରାମ କମାରଘାଇ ପୋଲରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ମୃତକ ହେଲେ ରାଜକିଶୋର ସାହୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ବାଇକ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି। ଭାରତ ରତ୍ନ ତଥା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଛକ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଓ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲାମଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଆଜି ଭାରତ ରତ୍ନ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର 90ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ସଦର ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଦଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଖାଲି ଭାରତରତ୍ନ ନଥିଲେ, ଭାରତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ସେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, DRDO କୁହନ୍ତୁ, ITR କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ହୁଇଲର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ତୁଳସୀ ପାହାଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ। DVF ଓ SOG ବାହିନୀଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳସୀ ପାହାଡ଼ରେ କମ୍ବିଂ ସମୟରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ପାହାଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇ 3 ମାଓବାଦୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।
ସମସ୍ତ ରହିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଖବର କେଇଟି ରଖୁଛୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।